दोस्तों, शीत युद्ध के बाद हाल ही में उपजी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद समूची दुनिया लगभग दो फाड़ों में बटी हुई नजर आती है, जहां पर एक तरफ चाइना, रशिया और खाड़ी देश भी आपस में एक समूह बना रहे हैं, वहीं पर अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के देश एक तरफ अपना संगठन मजबूत करते जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, चाइना और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज़ सूत्रों से आ रही हैं, जिससे कि समूची दुनिया और अमेरिका की नींद भी उड़ सकती है, क्योंकि चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में काफ़ी समय से काम कर रहा है। इसी बीच वह खाड़ी के देशों में स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रांग भी बनाता चला जा रहा है। तो दोस्तों, आइए आज इसी रिलेशंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस रिसर्च की ओर। चीन और सऊदी अरेबिया के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के हितों को तगड़ा झटका भी भविष्य में लग सकता है, क्योंकि चीन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से सऊदी अरेबिया यानी अरेबियन कंट्रीज के साथ यानी गल्फ कंट्रीज के साथ तेल का व्यापार करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक खाड़ी देशों में अपनी पैठ मजबूत कर रखी है और इसी पैठ पर सेध लगाने के लिए चाइना लगातार अरेबियन और गल्फ कंट्रीज पर डोरे भी डाल रहा है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स और खबरों की माने तो सऊदी अरेबिया और चीन के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, जिसके कारण अमेरिका की चिंता भी बढ़ सकती है। दोनों देश तेजी से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं, जहां पर सऊदी अरेबिया स्टेट विजन 2030 के आगे बढ़ रहा है, वहीं चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ भी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा वैश्विक भू राजनीतिक यानी जियो पोलिटिकल परिस्थितियाँ जो डेवलप हुई हैं हाल ही में, उसके कारण भी चीन और सऊदी अरब एक ही प्लेटफॉर्म आने को बेताब है। पिछले दशक अमेरिका समर्थन रहा है सऊदी अरेबिया को, लेकिन वह धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। वहीं चीन को एक मौका मिल गया है, जिसके कारण वह खाड़ी के देश और स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत भी कर सकता है। साथ ही खाड़ी देशों में कुछ तेल का व्यापार भी कम हो रहा है, जिसके कारण यह देश स्पेशली सऊदी अरेबिया पर्यटन के क्षेत्र में काम करना चाहता है और चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी कंपनीज इस विषय में काम भी कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें लगता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी के कारण सलमान प्रिंस यानी सऊदी अरेबिया के प्रिंस अपने सऊदी अरेबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं और चाइना उन्हें टेक्नोलॉजिकल मदद भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी बात इस एनालिसिस के बारे में, जिसके कारण चाइना और सऊदी अरेबिया के रिश्ते स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण अमेरिका के चिंता यानी टेंशन भी बढ़ सकती है। नमस्कार।